रेवतड़ा में साधु संत के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा के साथ प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज। कस्बे के विभिन्न मार्गों से निकली कलश यात्रा। सायला उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती गांव में स्थित मेघवाल समाज द्वारा नवनिर्मित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का बुधवार को भव्य कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ। इस दौरान कलश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई गई और उसके बाद कलश यात्रा का जुलूस बैंड बाजों के साथ रवाना हुआ, जिसमें सबसे पहले हाथी, ऊंट, घोड़े और उसके बाद रथों पर विराजमान साधु संत चल रहे थे, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कलश यात्रा में सजी धजी बालिकाओं ने सर पर कलश धारण किया व कलश यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाती हुई नजर आई। वही युवाएं डीजे की धुन पर जयकारा लगाते हुए झूमते हुए नजर आए। कलश यात्रा में हाथी, घोड़े, सुसज्जित रथ, रथों पर विराजमान मूर्तियां। कलश यात्रा साधु संत के अलावा सैकड़ों की तादाद में भक्तगण शामिल रहे। कलश यात्रा का कस्बों में जगह जगह श्रद्धालुओं की ओर से पुष्प वर्षा आदि से स्वागत किया गया। वही महोत्सव के प्रथम दिन मूर्ति प्रदक्षिण यात्रा, प्रायश्चित विधि, प्रदान संकल्प, गणेश पूजा, यज्ञ मंडप प्रवेश, वास्तु मंडल स्थापना, ग्रह हवन, नवग्रह स्थापना, मुख्य देवता अभिषेक, जलाधिवास सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। वहीं दूसरे दिन गुरुवार को सुबह वरघोड़ा दीप महोत्सव, देव स्थापना, स्थापित देव पूजा, देवता तत्व होम व शाम को आरती व रात्रि को भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत 9 दिसंबर की रात्रि को अनिल नागौरी, दौलत गरवा व धनराज परियार आदि की तरफ से भजनों की प्रस्तुति देंगे, जबकि महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को नवीन मंदिर में मूर्ति की स्थापना, कलश की स्थापना, ध्वजारोहण व चुनरी आदि का आयोजन होगा।